तो 12 से खेलने जा रहे हैं हेमंत का, ये हेमंत का हार्डकोर सीरीज का एपिसोड नंबर 10। और इस वाले एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं, मैंने कुछ नहीं सोचा था, एवं वीडियो शुरू कर दिया। पिछले वाले एपिसोड में तो हमने अपने लिए एक आयरन फार्म बनाया था, एंड उससे पहले आज का शॉर्ट आउट आता है इन भाई को। एंड तो चलो फिर बना के देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो को मैं बस आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए बना रहा हूँ। एंड मैं चाहता था एक नॉर्मली वीडियो भी बना सकता था, लेकिन उस वीडियो को कोई देखता ही नहीं, मेरे को कन्फर्म बताया, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने एक सरप्राइज वाली वीडियो बनाई थी, उसे किसी ने भी नहीं देखा, बहुत कम लोगों ने देखा था। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि बहुत कम लोग देखें, और सर्वाइवल सीरीज हार्डकोर सीरीज ज़्यादा लोग देखते हैं, तो मैंने सोचा कि इसी के एपिसोड में हम बात क्लियर कर देते हैं। एंड वो क्या डाउट है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला डाउट है कि वर्ल्ड टूर क्यों नहीं आ रहा। तो भाई वर्ल्ड टूर ऐसा तो नहीं है कि मैं एक एपिसोड बनाऊंगा एंड वर्ल्ड टूर दूंगा तो आप भी बहुत बोर हो जाओगे। इसलिए फिर मैंने डिसीजन लिया है कि हम मतलब 10 एपिसोड बनाया करेंगे, चाहे वो सर्वाइवल सीरीज हो या वो हार्डकोर सीरीज हो, 10 एपिसोड के बाद हम वर्ल्ड टूर दे दिया करेंगे, ठीक है। एंड इसका 10th एपिसोड है, तो इसका ही वर्ल्ड टूर अब आने वाला है। एंड जो दूसरा डाउट था वो था भाई कि बहुत दिनों सर्वाइवल सीरीज वगैरह के एपिसोड क्यों नहीं आ रहे। तो मैं एक वीडियो पे काम कर रहा था, वो वीडियो है ये, जो कि कल आपके आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसीलिए भाई मैं इसमें, मेरे को बहुत टाइम लगा, मेरे को 6-7 घंटे तो इसकी एडिटिंग करने में लगा, इसीलिए भाई वीडियो नहीं आ रही थी सर्वाइवल सीरीज और हार्डकोर सीरीज की। एंड हार्डकोर सीरीज की वीडियो तो बहुत पहले से नहीं आ रही, वो सर्वाइवल सीरीज की वीडियो तो बहुत पहले से नहीं आ रही। तो उसका रीज़न ये है कि अगर भाई देखो जो मेरा फ़ोन है ना उसमें भाई कासल बना रहा हूँ मैं, तो कासल लोग मेरे से कह रहे हैं कि एक वीडियो में एक ही काम करता है। तो भाई अगर मैं एक वीडियो में पूरा कासल बना दूंगा, कम से कम वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अप्रॉक्स 2-3 मिनट की। क्या बोला तूने? ओ सॉरी, 20-25 मिनट की, एंड उससे कोई नहीं देखेगा। तो इसलिए भाई मैंने डिसीजन लिया है कि मैं एक वीडियो में एक ही काम करूंगा। एंड हमारे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई थी, तो उसके चक्कर में ना हमारे ना चैनल की बहुत रीच डाउन हो गई। तो मैं चाहता हूँ हमारी रीच डाउन मतलब थोड़ी रीच बढ़ जाए, उसके बाद मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो यही रीज़न है कि मैं एक वीडियो में एक काम कर रहा हूँ। एंड दूसरा ये है कि मेरा कोई ज़्यादा हाईएस्ट फोन नहीं है, एंड मेरा फोन जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ गेम प्ले करता हूँ, बिना रिकॉर्डिंग के तो भाई बिल्कुल लैग नहीं करता माइनक्राफ्ट, लेकिन रिकॉर्डिंग करता हूँ ना तो मेरा माइनक्राफ्ट लैग करता है, एंड मेरे को भी लैग खेलने में थोड़ा मज़ा नहीं आता है, आपको फिर देखने में क्या ही आएगा। इसीलिए भाई इसका रीज़न है कि बहुत देर से एपिसोड नहीं डाल रहा। तो मैं एक अपने लिए अच्छा सा आउटफिट फाइंड करूँगा जिससे मेरा माइनक्राफ्ट का लैग फिक्स हो जाए, एंड उसके बाद ही मैं वीडियो डालूंगा। तो यही रीज़न है, ठीक है। और ये तो कुछ नहीं है, बट यही है। एंड कासल तो मैं हाल बना दूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं, लेकिन तुम देखोगे नहीं, इसलिए भाई मैं एक वीडियो में एक काम कर रहा हूँ। एंड अब आप बताना कमेंट करके मैंने सही किया या फिर नहीं। नहीं, यही था, और तो कोई डाउट नहीं थे। एंड बस यही करना चाहता हूँ, जल्दी से 4K करवा दो ताकि हमारी जो सरप्राइज है वो जल्दी से आ जाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो के लिंक मैं आई बटन पर दे रहा हूँ, जाके एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। एंड भाई ये तो गया इतना। तो अब भाई देखो मैंने वीडियो शुरू की है, तो भाई क्या ही ऐसे घूमते रहेंगे, तो चलो फिर कुछ मतलब बना ही लेते हैं। तो मैंने सोचा है कि इसमें छोटा सा एक फिश फार्म बना लेते हैं हम इस वीडियो में। एंड मेरे जो आयरन फार्म है उसकी भाई प्रोड्यूसिंग बहुत अच्छी है, एंड आप चाहो तो अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में ऐसे बना सकते हो आयरन फार्म को। अगर आपको बनाना है तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। सबसे पहले फिश फार्म बनाने के लिए थोड़ा बहुत हमें सामान लगेगा, उससे पहले मैं यहाँ पे शेयर से जो शीप के जो वोल है वो काट लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने आयरन फार्म में लगाने हैं, जो कि आपने देख लिया होगा। तो उसमें मैंने वुल लगा दी ऊपर, जो कि मेरे को थोड़ी अच्छी लग रही है, इसलिए तो मैं पहले काट लेता हूँ। एंड मैंने बहुत सारी वुल काट ली, एंड अब मैं जा रहा हूँ घर पे। एंड घर पे जाने के बाद मैं घर पे थोड़ा सामान लेके आ रहा हूँ फिश फार्म के लिए। एंड मैंने फिश फार्म के लिए सामान तो नहीं लिया सर, अभी वुल रखने के आता जो अपनी ठाठी बोलते हैं। एंड जब से मैंने आयरन फार्म बनाया उसके बाद मैंने खेला ही नहीं, अभी जस्ट खेल रहा हूँ। एंड बस ये थोड़ा सा खेला तो ये बना दिया था मैंने, ठीक है। तो मैं इसे ही कम्प्लीट कर लेते हैं जल्दी। तो मैंने कंप्लीट कर लिया। एंड मैंने यहाँ पे एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बनाया, क्योंकि मेरे घर के आसपास कोई भी वाटर सोर्स नहीं था, तो इसलिए मैंने यहीं पे एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लिया। मेरे को पता है अच्छा नहीं दिख रहा, तो कोई गल नहीं, अच्छा है, ठीक है। एंड अब भाई मैं फिश फार्म के लिए लावा लेने आया था, लेकिन इस केव में से जब मैंने आयरन फार्म के लिए लावा लिया तो यहाँ पे एक ही बकेट लावा था, एंड अब मेरे को लावा नहीं मिल रहा। एंड बिना लावा के फिश फार्म नहीं बन सकता, तो वो मैं बाद में ऑफलाइन में लावा ढूंढ के कहीं बना दूंगा। मतलब एक अनलिमिटेड पहले तो मैं एक लावा फार्म बनाऊंगा, उसके बाद वहाँ पे लावा डालूंगा, तो वो मैं बाद में कर लूँगा। तो अभी मैं फिश फार्म के लिए यहाँ पे जगह क्लियर कर लेता हूँ, यहीं पे हम अपना फिश फार्म बनाएंगे। एंड भाई मैंने जगह तो क्लियर कर लिया जो कि आप देख रहे हैं, एंड यहाँ पे थोड़ी सी और कर लेता है, एंड अब हम फिश फार्म बनाना शुरू करते हैं। भाई हमारा फिश फार्म है वो लगभग कंप्लीट हो गया। एंड जब मैं आ रहा था तभी आपने देखा क्या ही गंदा वाला लैग कर रहा है, जबकि मेरे वर्ल्ड में कुछ भी नहीं बना तब इतना वही लैग कर रहा है। तो आप मेरे को सजेशन देना, आपको पता हो कि मेरा लैग कैसे कम हो सकता है, अगर आपको पता हो तो वही बताना कमेंट करके। एंड वैसे तो मैं एक आउटफिट बहुत अच्छा फाइंड करने वाला हूँ अपने फ़ोन के लिए, जिससे मेरा फ़ोन लैग ना हो, ठीक है। एंड और क्या, एंड भाई लावा फार्म है नहीं, तो भाई हमारा फिश फार्म चालू ही नहीं होगा। एंड अब सॉरी, मैंने अभी
मेरे को याद आया कंपनी कोई भी नेम टैग भी नहीं है जिससे हम अपने फिश का नाम रखेंगे, एंड बिना नेम के भाई फिश फार्म चलेगा ही नहीं। तो वो मैं बाद में करते रहेंगे, हमने थोड़ा सा बना दिया, मतलब लगभग पूरे फिश फार्म बना दिया, बस में दो काम रहेगा, एक फिश को डालना एंड एक दूसरा हमारा जो लावा डालना, तो वो मैं बाद में कर दूंगा। तो बस यही था, यही सारे आपके कन्फ्यूजन थे तो मैंने दूर कर दिए, एंड अब मैं जब आपसे मिलूंगा जब मैं एक अच्छा सा ऑप्शन अपने फोन के लिए फाइंड कर लूँ। इस वाली वीडियो के लिए इतना नहीं रखते, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, या अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।